Hello guys, welcome back to my channel. Hope you all are fit and fine. तो आज मैं रिव्यू करने वाली हूँ ये एब्स गुडनेस का ग्रीन टी टोनर। तो पहली जो बात है गाइज, मैं इसको एक बार सेक करके आपको दिखा रही हूँ कि ये थोड़ा साबुन की तरह हो रहा है। मैंने देखा है कि ज़्यादातर टोनर में ही ऐसे होते हैं, क्यों होते हैं मुझे पता नहीं। अगर आपको पता है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि ऐसे क्यों होता है, और अगर मुझे पता चला तो मैं भी आपको बता दूँगी। तो इसको मैंने पर्पल ऐप से लिया है, ये सिर्फ आपको पर्पल ऐप से ही मिलेगा। और इसका मैंने लिया है 120 ml। ये थोड़ी ही दिन पहले इसका बड़ा वाला वेरिएंट भी लॉन्च हुआ है, तो आप अगर चाहो तो बड़ा वाला भी ले सकते हो। इसके आपको तीन से वेरिएंट मिल जाएंगे, एक है रोज़, एक है कुकुम्बर और एक है ये ग्रीन टी। सारे के फ़ायदे अलग अलग है, तो मैंने अपने स्किन के अकॉर्डिंग ये लिया है ग्रीन टी वाला। तो ये है 120 ml। एंड गाइस, इसका प्राइस जस्ट 125 MRP लिखा हुआ है, लेकिन गाइस मैंने मेरी प्रीवियस पर्पल हॉल में आप सब लोगों को दिखाया कि ये मुझे जस्ट 50% ऑफ में मिला है, एंड ये मुझे जस्ट 63 rupees का मिला है। इसका आप देख सकते हो 20 मैं इसका मैन्युफैक्चरिंग डेट हुआ है कि ये नवंबर में 2019 में मैन्युफैक्चर्ड हुआ है, और ये 3 साल तक चलेगा। तो इसका जो फ़ायदा है मैं आपको एक बार बता देती हूँ। इट हैज़ एंटी ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज, एड्स इन सिंकिंग फोर्स, रिविटलाइजिंग द स्किन। तो ये इससे फ़ायदे हैं, आप अपने स्किन के अकॉर्डिंग ले सकते हो। मैंने कुकुम्बर वाला भी लिया है, तो अगर आप चाहो तो मैं आपको बता दूँगी उसका फ़ायदा भी, कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताना। एंड इसके जो इंग्रेडिएंट्स है गाइस, वो है प्यूरिफाइड वाटर, पॉलीसॉर्बेट 20, फेनोक्सिथेनॉल, सोडियम बेंजोएट, पोटेशियम सॉर्बेट, ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट है, तुलसी एक्सट्रैक्ट है, एप्पल एक्सट्रैक्ट भी है, मलबेरी भी है, रोज़ एक्सट्रैक्ट भी है, नीम एक्सट्रैक्ट भी है, कुकुम्बर एक्सट्रैक्ट भी है, एंड विच हेजल एक्सट्रैक्ट है, और परफ्यूम और थोड़ा सा कलर है। इसकी पैकेजिंग भी बहुत अच्छी है, छोटू सा है, आपके बैकपैक में आराम से आ जाएगा। एंड इसके साथ ये कैप आता है, आप देख रहे हो इसको। अब मैं आपको स्प्रे करके दिखाऊंगी कि इसका स्प्रे कैसा है। तो स्प्रे बहुत ही अच्छा है, पूरे फेस में आपको फैल जाता है। आपको इसको 25 इंच या 15 इंच दूर से अपने फेस को दूर से करना पड़ेगा स्प्रे, एंड क्योंकि ज़्यादा पास से नहीं करना चाहिए गाइस। तो स्प्रे करके आप, ये जस्ट टाइम लेता है 15 to 20 seconds एब्जॉर्ब होने में। एंड गाइस, मैं इसको आई थिंक 1.5 सप्ताह से इस्तेमाल कर रही हूँ। ये आपकी स्किन को एकदम मैट बना देता है एंड स्मूथ बना देता है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। मेरे थोड़े बहुत पिंपल भी थे, उसके ऊपर भी इसने बहुत ही अच्छा काम किया है। मुझे ये टोनर सच में बहुत पसंद आया। आपको कैसा, अगर आपने यूज़ किया आपको कैसा लगा वो भी आप ज़रूर बताना। मुझे ये बहुत ही पसंद आया, मुझे पसंद आया गाइस, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। हो सकता है आपको पसंद ना आए, क्योंकि सभी की स्किन अलग अलग टाइप के होते हैं। किसी पे कुछ प्रोडक्ट काम करते हैं, किसी पे नहीं करते, तो वो आपकी एकदम स्किन के ऊपर डिपेंड करता है। मेरे पर ये स्किन बहुत ही अच्छे से काम किया। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो मैं ये आपको बहुत सजेस्ट करूँगी, क्योंकि ये एक मैटिफाइंग है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। ये आप ऑयली स्किन, हर स्किन टाइप तो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन स्पेशली ऑयली स्किन वाले ज़रूर यूज़ करके एक बार देखना, बहुत ही अच्छे से काम करेगा। अगर आपके ऊपर पिंपल्स है तो भी ये बहुत ही अच्छे से काम करेगा। मुझे ये टोनर बहुत ही अच्छा लगा, मैंने कुकुम्बर वाला भी लिया है। अगर आप बोलोगे तो मैं उसका भी ज़रूर ज़रूर रिव्यू कर दूँगी। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है गाइस, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि और भी अच्छे अच्छे वीडियो मैं आप सबके लिए लाती रहूँ। बाय गाइज़।